नमस्कार दोस्तों, आज हम आम की खट्टी मीठी आमटी बनाने जा रहे हैं। आप इसे क्या कहते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक कीजिए। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, आमटी बनाना स्टार्ट करते हैं। आमटी बनाने के लिए हमने 4 से 5 आम ले लिए हैं। इसे हमें छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। आम के जब सीड बनने लगते हैं तो इसे काटने में थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन जो इसकी आमटी बनती है इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो हमें इसी तरह से सारे आम को कट कर लेना है और इसके जो बीज है इसे निकाल लेना है। ये देखिए दोस्तों, हमने इस तरह से आम काट के तैयार कर लिए हैं। आप चाहे तो अपने हिसाब से इसे छोटे या बड़े टुकड़े में कट कर सकते हैं। आज हम आमटी मिट्टी के बर्तन में बना रहे हैं। जब भी हम मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते हैं तो इसमें अच्छे से पानी गर्म कर लेते हैं और हमने ये पानी फेंक दिया है। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल रहे हैं। 6 से 7 हम इसमें लहसुन की कलियां डाल रहे हैं। 1 चम्मच हम इसमें जीरा डाल रहे हैं। 1 चम्मच हम इसमें राई सरसों डाल रहे हैं। 1/2 चम्मच हम इसमें मेथी के दाने डाल रहे हैं। मेथी के दाने डालने से ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगता है, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। हम इसमें 4 से 5 लाल खड़ी मिर्च डाल रहे हैं। हम इसमें 2 डंठल कड़ी पत्ते की डाल रहे हैं। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेते हैं। अब हम इसमें 1 बड़ा बाउल गुड़ डाल रहे हैं। गुड़ को हमने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। अब हम इसे मिला लेते हैं। इसे मिलाने के बाद में हम इसमें 1 बड़ी चम्मच नमक डाल रहे हैं। थोड़ा सा हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं और थोड़ी सी हम इसमें हल्दी डाल रहे हैं। अब हम इसे भी अच्छे से मिला लेते हैं। इससे जो आमटी का टेस्ट होता है वो थोड़ा खट्टा, मीठा और तीखा आता है। अब हमने जो आम काट के तैयार किए थे इसे भी इसमें डाल देते हैं और अच्छे से मिला लेते हैं। इसमें हमें पानी डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे जैसे ये पकने लगते हैं वैसे वैसे ये पानी छोड़ने लगते हैं और कुछ समय के बाद में आम कुछ इस तरह से हो गए हैं। अब हमें इसे 5 से 6 मिनट और पकाना है और 5 से 6 मिनट के बाद में हम इसे चेक करके देख लेते हैं। हमने कुछ आम के पीसेस को प्लेट में निकाल लिया है और चम्मच की हेल्प से हम इसे चेक कर रहे हैं और इस तरह से हम इसे चेक कर रहे हैं और ये आम बहुत अच्छे से पक गए हैं और ये आम की आमटी बनकर तैयार है। आप चाहे तो इसे रोटी, पराठे, राइस के साथ में या फिर ऐसे भी खा सकते हैं। खाने में इसका स्वाद काफी अच्छा आता है। आप भी इसे जरूर बनाकर देखिए। थैंक यू।